चाहे फिर वो भूल भुलैया हो या मैं मेरी पत्नी और वो, इसमें आपने रुला भी दिया था सर. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द अमेजिंग एक्टर नन अदर देन एवरीवन्स फेवरेट वॉचफुल मदर. And now I'm gonna call upon on stage Mr. Vikram Kochar, who is playing the role of Sharif in the film Nonstop Dhamaal. Can we have Vikram Kochar ji on the stage, please? Okay. On the way है तो चलिए, हमारे दो दिग्गज कलाकार यहाँ पे आ चुके हैं, तो हम हमारे बाकी जो है किरदारों को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे. Can we have our handsome Dev Sharma? Moving ahead, calling someone जिनके पापा को कैरम बोर्ड खेलना बड़ा पसंद था. सर बचपन में आपकी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनना है, इसमें भी आप डॉक्टर ही बने. सर calling upon none other than Kurush Debu, who's playing the किरदार of Dr. Dilzan Darwala. And now I'm gonna welcome some amazing actresses on the stage, please. Welcoming the very gorgeous Veronica Vanage, who's playing the character of Shreya Kapoor. Welcome, ma'am. You are looking stunning and gorgeous, ma'am. And now moving on, calling upon the Bengali beauty, none other than Payal Mukherjee. Let's follow her on stage, please. The taliya look at this pretty chahiye. जबरदस्त मेहनत एंड जबरदस्त दिल के साथ इस फिल्म को बनाया गया, और जब फिल्म के हमारे किरदार स्टेज पर आ रहे तालियों में कभी नहीं होनी चाहिए. एंड कॉलिंग अपॉन ऑफ कोर्स आवर गॉर्जियस स्पेशल नंबर की अदाकारा जॉर्जिया एंड्रियानी, लेट्स हैव यू ऑन स्टेज प्लीज. एंड ये स्टेज अभी भी इनकम्प्लीट है, यहाँ पे जो है अभी भी खाली पड़े हैं, बिकॉज वी हैव टू कॉल अपॉन someone जिन्होंने इस फिल्म की स्टोरी पे भरोसा किया, जिनको लगा कि और अब उनको बुलाने वाली हूँ, जिनके बारे में क्या कहूँ. सर ये राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, स्क्रीन प्ले राइटर भी है, लिरिसिस्ट भी है. माय गॉड, वेयरिंग सो मेनी हैट्स, एंड मतलब इतने सारे किरदार निभा रहे हैं, तो भाई तालियां भी जो है जबरदस्त होनी चाहिए. लेट्स कॉल अपॉन द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म नन अदर देन मिस्टर निशांत खान. पापा को तालियों के बीच लेट्स वेलकम मिस्टर निशांत खान, द डायरेक्टर ऑफ नॉन स्टॉप डिमांड. वेल आई एम गोना कॉल आवर म्यूजिशियंस आल्सो ऑन स्टेज वन बाय वन, बट उससे पहले जब हमारे साथ अनिल कठवा जी ओके हाँ एक माइक दे दो यहाँ पे मुझे, रुकिए वो ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए. सर तो बताइए, सर सच में बताइए, बिकॉज इसमें आप डायरेक्टर का किरदार निभा रहे हैं, एंड वी हैव बीन वॉचिंग यू फॉर एजेस एंड एजेस, दैट वी नो योर लव फॉर सिनेमा, वी नो योर लव फॉर म्यूजिक. सो ये जो रोल सही में वैसा वाला है कि आपके अंदर जो है डायरेक्टर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, एंड यू रियली वॉन्ट टू डायरेक्ट अ फिल्म समडे. आई नो यू हैव डायरेक्टेड. सो माई फर्स्ट नेशनल अवार्ड वॉज फॉर डायरेक्शन, नॉट फॉर एक्टिंग. पहला नेशनल अवार्ड भी मिला था डायरेक्शन के लिए, भी शांताराम अवार्ड भी मिला था, न्यूयॉर्क में भी अवार्ड मिला था. उसके बाद फिर वक्त नहीं मिला, इतने सारे असाइनमेंट्स में फंसते चले गए, और असाइनमेंट होते होते बूढ़े भी होते चले गए. बहरहाल इस फिल्म में हमारा काम जो था, हमने ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की, हम तीनों चारों जो लोग सो क्या है, आपका सवाल और आपका जवाब अपनी जगह तो वाजिब है, लेकिन एक एक्टर का काम ये नहीं कि वो धमाल करे, उसको धमाल दूसरों को दिखाना होता है कि वो धमाल कर रहा है. एक्टर अगर हम खुद धमाल करने लगेंगे तो हमारा डायरेक्टर कहेगा भाई आपको धमाल करना नहीं है, आपको प्रूव करना है जनता के सामने कि आप धमाल कर रहे हैं. हम लोग सब कुछ ऑडियंस के लिए करते हैं, तो वो
हमारा काम आपको कन्विंस करना है, आपका एंटरटेन करना है. व्हाइल परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इट्स नॉट अवर एंटरटेनमेंट, इट्स अवर जॉब, राइट? एंड वी हैव टू डू दैट जॉब विद अटमोस्ट सिंसेरिटी एंड अटमोस्ट डेडिकेशन. समझा? यही एक्टिंग है और यही कलाकारी है आपके लिए, जो हमारी ऑडियंस है उसके लिए. अगर हमको धमाल करने लगेंगे तो फिर बकवास काम हो जाएगा हमारा. समझा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. I hope we could justify our work in front of the camera. Thank you so much, Anu ji. एक बार Anu ji के लिए जोरदार ताली हमारे लिए कर देंगे. ठीक है ना? आप चाहती हैं कि आपका impact यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनके ऊपर correct पड़े. जिस चीज के लिए आपको साइन किया गया है, पैसा दिया गया है प्रोड्यूसर ने, उस चीज को जस्टिफाई कर सके ताकि आपकी रिकॉर्ड वो लड़की बहुत अच्छी है होस्टिंग करती है. लेकिन अगर आप अपनी होस्टिंग के अंदर इतनी कैरेट में हो जाएंगी कि अपना सब कुछ भूल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी. आपको काम करना है, काम कर, तुम काम सही कर, और दूसरों को मजा देना है, खुद को मजा नहीं देना. अगर वाइल परफॉर्मिंग आप उस चीज को मजा ले रही है, दैट्स योर बिजनेस, दैट्स वेरी पर्सनल. बट द प्रायोरिटी इज टू मेक them, make the audience feel what you are. I'm supposed to. क्या बात है अनु जी, आप ही हैं करने के लिए जाने जाते हैं, मतलब हंसाने से लेकर रुलाने तक, मतलब एक amazing versatile actor है सर. So ये जो भंगार वाले का रोल था एंड जो ड्रीम सीक्वेंस में मजा आया है सर, so आपका टोटल धमाल मोमेंट कौन सा था? अगर मैं पूछूं फिल्म में किरदार करते हुए कभी कभी पल आते हैं, कुछ होते हैं सीन्स, कुछ ऐसे ये होते हैं कि जो आपको ना एकदम से लगता है अरे मजा आ गया जी आज करके, सो वो टोटल धमाल मोमेंट कौन सा था आपके लिए? इस फिल्म में आप लोगों का यहाँ जुड़ना यही सबसे बड़ा धमाल है. और एक मैं शबीना जी से बोल रहा था, क्योंकि हमारा एक ट्यूनिंग बहुत पुराना है, लगभग हमारी पहली मेल लीड फिल्म थी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, शी वाज द फर्स्ट कोरियोग्राफर. तालियां प्लीज. हाँ, फर्स्ट फिल्म एज ए कोरियोग्राफर और मैं उसका हिस्सा था, मुझे बहुत अच्छा लगा. एक मैं उनसे कह रहा था कि एक डांसर को बोला जाए कि तू ऑफ बीट नाच के दिखा. तो आई थिंक डांसर के लिए ये सबसे बड़ा होमवर्क है कि कोई ताला डांसर को बेताला नाचने के लिए बोल दो आप, वो कहीं से आएगा ताल में आएगा और उससे बोल के तू बेताले आए. मेरी 20 साल की जर्नी में सबसे कठिन कैरेक्टर करने का वो मिला, ये मिला कि जिसमें एक भंगार वाला कैसे एक्टिंग करेगा, वो कैसे कितना गंदा एक्टर हो सकता है. अगर वो ड्रीम भी देख रहा है तो उसके दिमाग जो हीरोज होते हैं कि कैसे चलते हैं, एक एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है ना, कि एक एजुकेशन के हिसाब से अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप एरिस्टोक्रेट बॉय हो, तो आप लंदन के क्लब में आप डिजाइन करोगे किसी की डेट. एक भंगार वाला जो कि क्या थी वो लाइन राम, वो लाइन क्या है, जूना डब्बा बाटी कहाँ पे एक आदमी ये हो और वहां पे एक लड़की के साथ में, मतलब ये मेरा दिल निकल जाएगा, रोमांस करेगा तो कैसा करेगा. आई थिंक उसके दिमाग जो जो कैरेक्टर है, मैंने इरशाद से पूछा, बोले राधा दा आपके लिए रोमांटिक सॉन्ग लिखवाया है. मैंने कहा मेरी दुकान जीवन भर के लिए बंद करने का इरादा आपने कर लिया है. तो बोले क्यों, हमने कहा राजपाल यादव ने 20 साल में किसी भी कोरियोग्राफर ने मुझे ताल में नहीं नचाया, कि एक बार करने भी लगा कि 1 2 तो बोले नहीं नहीं नहीं, आप अपने स्टाइल में, आप अपने ना आप ये मत मिलाना. उसके बाद में राजपाल के लिए सबसे कठिन काम था कि एक ऐसे गंदे एक्टर की, जो एक भंगार वाला बेचारा किसी का फैन है और उसको वेरोनिका के साथ में एक रोमांटिक जैसे वो सोच रहा है कि शाहरुख खान साहब आ रहे हैं या कोई तो राजेश खन्ना साहब आ रहे हैं. तो मतलब आई थिंक ये सबसे कठिन धमाल मेरी जिंदगी का था. ठीक है, और मजा आया. जॉर्जिया, असली धमाल तो जॉर्जिया का है. और
जॉर्जिया के ताला फिर ताली बजाइए प्लीज की बहुत ही दिल से और इतने अच्छे से शबीरा जी ने कोरियोग्राफ किया। अन्नू सर के बारे में ये इस फिल्म में जो भी धमाल है वो अन्नू सर का है और मनोज जोशी जी का है। मैं इनका प्यादा हूँ, मैं इनका सिर्फ इस फिल्म में प्यादा हूँ। और ये गाना जो लिखा है, ये जिसको रोमांटिक सॉन्ग बोलते हो, ये मेरे डायरेक्टर का रोमांस है। राजपाल तो कैरेक्टर थे, कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर रहेंगे, लेकिन इमेजिनेशन में रोमांस के आसमान पे भी मुझे तैरना पड़ा तो मैं जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कैरेक्टर का प्रॉब्लम। बहुत पूरी कास्ट क्रू हमारे डॉक्टर साहब, आपने आप सबसे धमाल, सुरेश जी मेरे भाई ने, बहुत सारे लोग जज्बे और बहुत सारे एक्टर नहीं हैं, लेकिन इस नॉन स्टॉप धमाल के जो जो लोग हिस्सा बने हैं, मैं तहे दिल से सबका आभारी हूँ कि मैं भी इनके बीच में एक गंदे एक्टर की भूमिका करने का सौभाग्य मिला। कि एक गंदा एक्टर कितना हो सकता है, क्योंकि जब आपका काम है भंगारगिरी करना और अचानक आपको हीरो बनना का शौक चढ़े तो मतलब फिर क्या हो सकता है वो आप देख ही रहे। थैंक यू। नॉन स्टॉप धमाल जैसा टाइटल है ना, धमाल पूरी फिल्म में धमाल है। धमाल मेरे लाइफ में भी हो गया जब मुझे ये फिल्म मिली और इतने अच्छे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला है। राजपाल जी, अनु जी, इतना कुछ सीखने के लिए मिला है मुझे। आई कांट से, मैं बता नहीं सकती हूँ, आई कांट टेल यू कि कितना अच्छा फीलिंग आता है व्हेन यू वर्क विद सच एक्टर्स। सो आई एम ट्रूली 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 ब्लेस्ड। I can see that, मतलब I can see it in your smile, I can see it in your zeal, I can see it in your enthusiasm, Veronica, thank you so much, and our handsome Hiten ji, तुसी दसो जी, आपका जो है non-stop धमाल moment कौन सा था? पूरी फिल्म ही non-stop धमाल है, अगर इसमें कोई एक moment के बारे में बात कर दी तो पूरे राज खुल जाएंगे, और अगर राज खुल गए तो comedy का जो एक तड़का है वो थोड़ा कम हो जाएगा, but definitely I would like to thank इरशाद भाई and सुरेश जी के इतना बड़ा मौका दिया इतनी अच्छी फिल्म का पार्ट बनने का। इट्स अ प्रिविलेज टू स्टैंड नेक्स्ट टू राजपाल भाई, अनु कपूर जी एंड ऑल माय को-एक्टर्स जॉर्जिया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत छोटे से ये ड्रीम देखी थी। मुझे याद है मेरे नाना जी जब मुझे सिखाते थे एक्टिंग, तो उनकी जो फेवरेट स्टूडेंट हुआ करते थे वो अनु कपूर जी थे। माय नाना जी वाज अ डायरेक्टर इन NHD, ही वाज अ योगा टीचर, वॉइस एंड स्पीच, एंड लेटर ही बिकेम द डायरेक्टर। और उनसे सबसे ज़्यादा तारीफ और सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली अगर किसी स्टूडेंट के बारे में सुनी है और देखा है बचपन में, तो वो अनु जी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज फील कर रहा हूँ इस समय यहाँ पे खड़ा होके। एंड मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था क्रिश टीम में, जहाँ पे मैं राजपाल भाई के साथ मुझे काम करने का मौका मिला था, बहुत मज़ा आया था। एंड यू गाइस हैव सीन माय फिल्म यारियां हीरो बनती, तो आपका आशीर्वाद मिलता रहे और इसी तरह से आपकी कवरेज हमें मिलती रहे, तो हम लोग धमाल नॉन स्टॉप करते रहेंगे और पार्ट 1, 2, 3, 4 सब आते रहेंगे। लड़की है तो उसके करीबन 25 सपने होते हैं, कभी पायलट बनना है, कभी रेलवे ड्राइवर का इंजन ड्राइवर बनना है, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे सपनों में से गुजर चुके थे। उसमें हम लोग बच्चे होते तो खेलते हैं ना, कभी लॉयर कभी डॉक्टर, तो या डॉक्टर बनने का भी एक टाइम सपना था। और अभी आई थिंक रजिस्टर ट्रेडमार्क लग गया है मेरा डॉक्टर का, आई थिंक मोर देन 20 फिल्म्स में मैंने डॉक्टर का किरदार किया। जैसे सबने बताया ना, कैरेक्टर कैरेक्टर है और हर एक कैरेक्टर का अलग सूर होता है, तो वो सूर पकड़ने का, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो, तो ऐसा कभी फील नहीं किया कि मैं टाइपकास्ट हूँ, ये मेरा रोजी रोटी है, ब्रेड बटर है। और एक एक्टर को कोई भी कैरेक्टर मिले, चाहे वो सेम कैरेक्टर वापस मिले, कुछ ना कुछ नयापन देने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये फिल्म में मैं नसीब, मेरी किस्मत अच्छी है कि एक तो सबसे लेजेंड्स कैरेक्टर्स और जो स्टार्स हैं वो हमारी फिल्म में है। मैं पहली बार अनु जी के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, वो हमारे लिए तो लेजेंड ही है। राजपाल जी के साथ ये मेरी 5वीं फिल्म है और वो हमेशा मुझे गाइड करते थे हर एक फिल्म में, तो आई एम वेरी हैप्पी। असरानी जी के साथ भी मैंने काम किया था पहले, मनोज जोशी जी के साथ भी किया था, तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, प्रियांशु चटर्जी जी, सबके साथ मैं काम कर चुका हूँ। और पहली बार ये सब एक साथ ये नॉन स्टॉप धमाल में आए, और डायरेक्टर सर ने मुझे जो नरेशन दिया डॉक्टर का, और ये एक क्लाइमेक्स का हिस्सा है, तो क्लाइमेक्स का हिस्सा होने की वजह से मेरा कैरेक्टर सोने पे सुहागा हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से, जब इतनी बड़ी रिस्क लेकर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर
एक बॉलीवुड का जो एक स्टाइल है उसे छोड़कर एक प्योर फैमिली एंटरटेनमेंट कॉमेडी एक्शन एंटरटेनमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम आप लोग मीडिया वाले जो दूसरे जो दर्शक है वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से सोशल मीडिया और सब में प्रमोट करें और ऐसी फिल्में फ्यूचर में ज्यादा बने, इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्लीज हमारी फिल्म रिलीज जो हो रही है अगस्त में उसके लिए आप वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी अगली फिल्म में आपने आइडिया दे दिया उसको अब देखना सबका पैकअप। सर आपने बोला ना रोमांस उनका था किरदार आपका था तो शब्द उसके थे। तो इरशाद जी बताइए हाउ वाज इट, मतलब इतने सारे किरदार आप जो है इस फिल्म के लिए जो थे, सो हाउ वाज व्हाट वाज योर नॉनस्टॉप धमाल मोमेंट, व्हाट केप्ट यू गोइंग कि इतना सारा एक साथ करना है और सबको एक साथ लाना है और ऑडियंस को नॉनस्टॉप धमाल देनी है। मुझे भी नहीं पता इतनी हिम्मत कैसे आ गई, सच बताओ इतने सारे एक्टर आए 20 एक्टर है सब एक से बढ़ के एक और कई एक्टरों को एक तो हमारी फिल्म में लास्ट है सबको सुनाया ललित परी मुझे को सुनाया फिर मैंने वो मतलब स्पेशली उसका जो कैरेक्टर है लास्ट का वही हीरो है फिल्म में तो मैंने जो राजेश जैन जी है भी अमेरिका में आए नहीं हो तो उनको सुनाया था यार कहानी अच्छी है इसलिए रोल कर रहा हूँ मैं तो मतलब सारे एक्टर मिल गए ऊपर वाले की ये करामात है वरना इतने लीड एक्टर और इतने बिजी एक्टर और अन्नू सर ने बहुत साथ दिया राजपाल भाई ने डेटे सबकी बिजी थी बहुत साथ दिया कि पहले इरशाद की फिल्म खत्म कर सके और 6 महीने में कंप्लीट किया हमने जनवरी 21 6 से 5 महीने 21 जनवरी को शुरू किया था हमने और 18 को रिलीज है तो ये भी एक अचीवमेंट है और ये गारंटी है कोई लेगा नहीं। इंटरवल में ही तो क्लाइमेक्स हो जा रहा है फिल्म का, सस्पेंस फिल्म है कॉमेडी सस्पेंस है, इंटरवल के बाद फिर शुरू होती है फिल्म दूसरी। थैंक यू, आप आज से सारी फीस वसूल करूंगा चालू। भाई मुझे लग रहा है सर अनु जी राजपाल जी सुरेश जी हमें लग रहा है आप लोगों की जो यहाँ पे जो धमाल हो रही है ना ये नॉनस्टॉप धमाल जो है अक्रॉस द स्टेज जा रही है तो अक्रॉस द स्क्रीन तो आने वाली है, इनको हम कैसे भूल सकते हैं। सो टेल मी समथिंग जॉर्जिया, टेल मी समथिंग यू गॉट टू एक्ट इन द स्पेशल नंबर। मैंने आपकी वैसे हिंदी सुनी, मैं आपसे हिंदी में ही बात करने वाली हूँ, मैंने आपकी हिंदी सुनी थी बहुत ही चौकस और बहुत मुझसे भी ज्यादा अच्छी हिंदी आप बोलती हैं, तो आपको जो है यहाँ पे किरदार निभाने का मौका मिला, एक स्पेशल नंबर करने का मौका मिला फिल्म में, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस और आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं अनु जी के साथ राजपाल यादव जी के साथ। आई रियली एंजॉयड थर्डली वर्किंग विद देम एंड दिस वाज माय धमाल, इनफैक्ट लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करना और इनका लाइव परफॉर्मेंस देखना, आई रियली एंजॉयड थर्डली and I must say I could have never moved in any way if Shabina wouldn't have guided me mere main yahan se nahi hu main we are presentation scene aur ye expressions jo hai na मुझे बिलोंग नहीं करता है, मतलब अभी करते हैं अभी, लेकिन पहले से नहीं करते थे एंड थैंक्स टू शबीना आई हैव रियली एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ, सो रियली थैंक्स, थैंक यू सो मच, मुझे एक्चुअली बहुत मजा आया। वाओ, दैट वाज ट्रूली अ नॉनस्टॉप धमाल मोमेंट एंड यू गोना हैव धमाल फॉर योर लाइफ। Thank you so much. Tuna. Release. Matlab release. Update language ko main bhul gayi. Bola for Tuna release. Dio di Benedicta, Senora. Anuji sabko apne rang mein rang dete hain sir. Jahan jaate hain Anuji sabko apne rang mein rang dete hain sir. Matlab oh my god. Your entire wife
आप सबको मोह लेते हैं सर, टोटली। सो यस, वहां पे हमारी जो है एक्ट्रेस जो बनी है इस फिल्म में वो इंतजार कर रही है। बताइए सर मैम, आपका नॉन स्टॉप धमाल मोमेंट क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। इर्शद भाई, इर्शद सर को मैं पहले थैंक्स बोलना चाहूँगी कि बंगाली होने के हो मैं हूँ पर उन्होंने मुझे एक मराठी पुलिस के कैरेक्टर दिया, तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड इट वॉज लाइक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी। के पी अन्नू जी, राजपाल जी, इन लोगों को बचपन से देख के बड़े हुए हों, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा काम करके, तो दैट्स इट, थैंक यू। दोनों से सबसे पहले तो किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, जितना कि हमने ट्रेलर में देखा है अल्टरनेट कॉमेडी फिल्म है, और थोड़ा सा बताइए आप लोगों ने कितना एंजॉय किया और क्या थोड़ा सा आप किरदार के बारे में बताया। देखिए क्योंकि आज पोस्टर ट्रेलर म्यूजिक सब लॉन्च हुआ था, आप देख ही सकते हैं कि पोस्टर देख के समझ में आ रहा है कि इसमें कितना धमाल हुआ होगा। और बात की जाए मेरे किरदार की, उसका नाम हितेन है, और हितेन जो है ये इसके बारे में बहुत कम बता सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर इसके बारे में ज़्यादा बता दिया तो पूरी फिल्म की जो गुत्थी है ना, जो सुलझनी है, जो नहीं सुलझ पा रही वो सुलझ जाएगी। तो बेसिकली हितेन का जो किरदार है उससे कुछ ऐसा कांड हो जाता है जिसकी वजह से फिल्म में जो एक अच्छी चीज़ होने वाली होती है वो डाइवर्ट हो जाती है, और फिर वापस से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जो फेस कर रहे हैं शुरू से। पिक्चर बनानी है पिक्चर के अंदर, वो बन नहीं पा रही है, तो फाइनली जब मौका मिलता है उस पिक्चर को बनाने का तो मुझसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से वो फिर से कहीं ना कहीं वो कहानी वापस घूमने लग जाती है। तो आपको बहुत मज़ा आएगा देख के, मेरे अभी तक जितने भी करेक्टर्स मैंने प्ले किए उससे काफ़ी डिफरेंट है, एंड इट वॉज गुड फन ऑन सेट ऑल द टाइम। Tell us about your character. मेरी कैरेक्टर बेसिकली फिल्म एक दिन फिल्म होता है, तो इट्स अ कैमियो काइंड ऑफ कैरेक्टर। एंड जो है ना कि मतलब डायरेक्टर जो है यहाँ पे अनु जी, फिल्म के भी डायरेक्टर, मतलब नॉट फिल्म में, फिल्म में तो इर्शद भाई है, पर फिल्म में जो डायरेक्टर है अनु जी, अनु जी का फिल्म का हिस्सा है हम, उनकी हीरोइन है। दिस इज दैट। देव और आप दोनों से जानना चाहूँगा, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं फिल्म के अंदर, आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा? अनु कपूर सर हैं, राजपाल सर हैं, और बहुत ही अमेजिंग रहा, क्योंकि हम जैसे हम ग्रो कर रहे होते हैं ना हर दिन लाइफ में। जब मैं नया नया आया था तो मैंने कुछ नहीं किया था, फिर थोड़ा काम किया, फिर और किया, और अब क्या है कि अब जब ऐसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ स्क्रीन शेयर करने का, काम करने का, सेट पे सीखने का मौका मिलता है, तो एवरी डे इज़ न्यू लर्निंग और नेवर एंडिंग होता है ये प्रोसेस सीखने का। तो मस्ती और धमाल के साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है जब आप एक अच्छा एक्टर के साथ काम करते हैं, तो नो डाउट बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतने बड़े लेजेंड सारे के सारे कमाल के एक्टर हैं फिल्म के अंदर, और उनके बीच में क्या होता है ना कि अगर थोड़ी बहुत आपकी टाइमिंग बिगड़ रही है तो वो भी लाइन पर आ जाती है। सो ओवरऑल इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। क्या सीखा आपने? एक्चुअली इनके साथ काम करना इट्स लाइक ड्रीम्स कम ट्रू मोमेंट। इनको बचपन से हम देखते आ रहे हैं, लगता है कि कब इनको सामने से देख पाए ऐसा फील रहता है, और जहाँ पे आप आके इनके साथ काम कर रहे हो तो ये अलग ही कुछ होता है, अलग फील। वो हम मतलब बीइंग एन एक्टर ना भूल नहीं पाए, ये बस हम रियलाइज कर पाते हैं, फीलिंग होता है एंड सीखते हैं। कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से फिल्म कब रिलीज होने वाली है, क्यों देखनी चाहिए? मैं एक चीज़ बोलूँगी, मैं जब फिल्म देखने गई थी एडिट में, मैं ना देखते देखते मेरे यहाँ पे दर्द होने लगा, माई चीक्स आर पेनिंग, बिकॉज इतना हंसते रहे हम लोग। तो वही है, 2 घंटा नॉन स्टॉप मस्ती होने वाला है, नॉन स्टॉप हंसने वाला है। मैंने फिलहाल अभी तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन 18 अगस्त को आ रही है, तो हम सबको साथ में जाना है अपने सभी नज़दीकी सिनेमाघरों में, और खूब सारा धमाल मचाना है, क्योंकि आपके सारे फेवरेट एक्टर्स हैं उनके अंदर, तो जिसका जो फेवरेट है उसको देखने के लिए आ जाओ। और बोलते हैं ना शादी में बूफे लगता है और हर तरीके के खाने की चीज़ें मिलती हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही है, फिल्म के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, तो कम एंड एंजॉय द जर्नी ऑफ नॉन स्टॉप 18 अगस्त। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए, और इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स को डायरेक्ट करने का मौका मिला, कैसा एक्सपीरियंस रहा था उनके साथ काम करने का? देखिए इतने अच्छे एक्टर हैं, सब बड़े सीनियर एक्टर हैं, जब हम पैदा भी नहीं हुए जब से एक्टिंग कर रहे हैं। सरानी साहब हैं हमारी फिल्म में, हमारी फिल्म में 20 एक्टर हैं, और सबका कुछ ना कुछ अच्छा कैरेक्टर है, सब कोई वेस्ट नहीं किया मैंने किसी का, और जो वेस्ट होता है तो एक्टर खुद ही करता नहीं है, मना कर देता है। 20 एक्टर और 1.5 घंटे की फिल्म, सोचो कितनी फास्ट फिल्म होगी, और इंटरटेनिंग फिल्म है यार, एकदम साफ़ सुथरी फिल्म है, पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं फिल्म, और जो आप फिल्म जब देखेंगे तो आपको लगेगा इंटरवल में कि क्लाइमेक्स हो गया, इंटरवल में ही फिल्म ख़त्म हो जाती है कि अब क्या है, तो क्लाइमेक्स ही होगा, तो सब खुल चुका अब क्या है। लेकिन उसके बाद जो फिल्म शुरू होती है, एक टिकट में आपको 2 फिल्में देखने मिलेंगी, उसके बाद जो फिल्म शुरू होती है सस्पेंस कॉमेडी,
और सबने बहुत अच्छा किया है, अच्छे गाने हैं। सर इतने सारे एक्टर्स को परफेक्ट किरदार देना कितना बड़ा चैलेंज था एज ए डायरेक्टर, अगर उस बारे में कुछ बताएं। सेट में तो खैर अच्छा माहौल रहता था, शूटिंग में मज़ा तो आती है यार, इंडस्ट्री में जब भी तो आए हैं अगर मज़ा नहीं लेना होता तो कुछ और कर रहे होते। एंटरटेनमेंट की दुनिया है, इंजॉय भी करते हैं, इंजॉय पब्लिक को कराते भी हैं, हम एंटरटेन करते हैं। और शूट पे कभी कभी तो टेंशन भी होता था कि यार कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट वो सब होता रहता चलता है। लेकिन एक्टरों की तरफ से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ज़्यादा रीटेक भी नहीं हुए क्योंकि सब मजे हुए एक्टर थे, एक ही बार में टेक ओके कर देता था। और जब ये असरानी साहब और अन्नू कपूर जी और राजपाल जी और ये मनोज जी बैठते थे, कंबाइन पूरा एक वन शॉट सीन होता था उनका, तो सीन चल रहा होता था, सीन ख़त्म हो जाता था और मैं कट नहीं बोलता था। अब मैं समझता था कि इम्प्रोवाइज करेंगे तो कुछ जो भी करेंगे तो अच्छा ही होगा, एडिट में देख लेंगे, लग गया तो रख लेंगे। तो कम से कम 5 मिनट तक ऐसे ही खींचते थे वो सीन को, अपना अपना बना बना के ये वो करके लास्ट में बोलते थे यार कट तो बोल दो भाई कितना खींचेंगे। तो उसमें से ये है कि सब टैलेंटेड लोग हैं, अच्छा एक्टरों के साथ मज़ा आया काम करके और बहुत अच्छा सफ़र रहा शूटिंग। खूबसूरत अदाकारा भी है यहाँ पर, थोड़ा सा बताइए किरदार के बारे में, किस तरह का किरदार निभाने वाली है और इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, एज एन एक्टर क्या सीखने को मिला सबसे पहले किरदार के बारे में? जी मेरा कैरेक्टर है श्रेया कपूर का। श्रेया कपूर वो है जो मैं बनना चाहती हूँ, शी सुपर स्टार, वो सुपर स्टार है, स्टार है बहुत बड़ी। तो जो रियल लाइफ में अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, राजपाल जी के साथ ऐसा है कि मेरा फ़ैन गर्ल वाला एक वो है कि मैं फ़ैन हूँ उनकी इतनी बड़ी कि उनके साथ जब काम करने का मौका मिला तो मुझे ऐसा लगा राजपाल जी के साथ काम करो कितना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और फिल्म के अंदर वो जो फ़ैन गर्ल वाला है वो उल्टा है, वहाँ पे राजपाल जी मेरे बहुत बड़े फ़ैन होते हैं, श्रेया कपूर के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं। वो श्रेया कपूर के साथ एक सेल्फ़ी के लिए वो परेशान रहते हैं कि कैसे सेल्फ़ी श्रेया जी के साथ मुझे मिले, और कुछ ऐसा होता है कि वो मेरे हीरो बन जाते हैं। वो एक सेल्फी ले डूबती है उनको, इनकी सेल्फी जो है ना राजपाल जी को ले डूबती है, बहुत मुसीबत झेलना पड़ता है उनको। तो वो हीरो बन जाते हैं मेरे फिल्म में, फिल्म के अंदर फिल्म बन रही है उसमें राजपाल जी मेरे हीरो हैं। तो ये एक मतलब सपना है मेरे लिए कि इतने अच्छे एक्टर्स, और राजपाल के लिए भी सपना है क्योंकि भंगार वाला है, हाथ गाड़ी खींच रहा है, डब्बा चूना बाटली जो कट्टू इमेजिन करता है, सपना देखता है कि मैं स्टार के साथ डांस कर रहा हूँ। और मेरे लिए एक और बहुत अच्छी चीज़ है इसमें कि एक्टर्स को देखा जाए तो एक ही डायरेक्टर मिलता है, और मुझे इस फिल्म में 2 डायरेक्टर मिले, एक तो डायरेक्टर हमारे यहाँ बैठे और दूसरे डायरेक्टर जो फिल्म के अंदर जो फिल्म बन रही है अनु कपूर जी। तो श्रेया कपूर के डायरेक्टर अनु जी है और वेरोनिका वानिज के डायरेक्टर इरशाद सर है। सो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, और या धमाल, नॉन स्टॉप धमाल, काफ़ी धमाल होने वाला है। सर हमने जो गाना देखा जी, इन दोनों का ड्रीम सीक्वेंस है वो, तो उसके अंदर जो है बहुत सारी झलकियाँ राजपाल सर में मिलती है, शाहरुख खान दिखे हमारे ड्रीम, हाँ। उसके बारे में कुछ बताइए सर। नहीं, ड्रीम ड्रीम सीक्वेंस ड्रीम में नहीं होगा, वो गाना रियल में। मैंने जब राजपाल भी बताया कि यार आपको ग्लास तोड़ना है, अक्षय कुमार के साथ एक्शन करना है और शाहरुख खान की तरह रोमांटिक सॉन्ग है, जावेद भाई ने गाया, मैंने जावेद अली गाना सुना है, रोमांटिक सॉन्ग गाना अच्छा था, तो उन्होंने यही बोला कि यार तुम मेरी दुकान बंद करवा दोगे, मतलब तुम मैं गाना रोमांटिक गाऊंगा, नाचूंगा, हीरो बनूंगा, मतलब नहीं, ये गाना जो रोमांटिक है ना ये मेरी फिल्म का नहीं है, ये अन्नू कपूर जी की फिल्म है, मतलब सतेंद्र जो उनका करेक्टर है, वह फिल्म के अंदर जो फिल्म बन रही है उस फिल्म का गाना है। मैम इसमें एक गाना था जो कि मैं बस जाऊँ तेरे दिल के अंदर, तेरे दिल के अंदर, इसमें तो आपके दिल के अंदर कौन बसा है बताना चाहेंगे? मेरे दिल के अंदर मेरी फिल्म नॉन स्टॉप धमाल, बहुत सारा धमाल। और सर आप किसके दिल के अंदर बसे हुए हैं? आपको पता नहीं किसके दिल में बसे हैं, ऑडियंस के दिल, ऑडियंस के दिल में बसना जरूरी है हमारे लिए। सर क्या क्या यूएसपी होगी फिल्म की, क्या मैसेज देना चाहेंगे? फिल्म नॉट रॉन्ग 18 अगस्त को रिलीज हुई है, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए? ऑडियंस के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप लोग फिल्म देखिए और बहुत इंटरटेनिंग फिल्म है, ओरिजिनल फिल्म है, कोई रीमेक नहीं है या किसी की कॉपी नहीं है, और देखेंगे तो अच्छा इंटरटेन लगेगा आपको, फैमिली के साथ देख सकते हैं, ज़रूर देखिएगा, मिस मत करना ये फिल्म, मैं तो ऑडियंस को ये बोलूँगा। मैं भी यही बोलूँगी कि काफ़ी
अच्छा है, इसमें बहुत सारा एंटरटेनमेंट देख सकते हो, तो आप जब भी जाओगे देखने के लिए इसको तो कोई टेंशन नहीं, सब मतलब दिमाग अपना घर पे रख कर जाओ, एंजॉय करो, ये फिल्म वैसी है तो बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप जाइए, 18 अगस्त को आ रही है हमारी फिल्म एंड होपफुली आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।